इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ LEDs और साथ में कुछ थोड़ा सा वायर। हम इसमें एक सिंपल सा वायर ले रहे हैं, काफ़ी पतला है क्योंकि हमें बस LED जलानी है, ज़्यादा कोई हैवी लोड नहीं है उस पर। हमें LED को सही साइड कनेक्शन करेंगे, हम इसमें जो प्लस है उसको रेड से कनेक्शन देंगे, जो माइनस है उसको हम येलो से कनेक्शन देंगे। तो इस तरह की टेप ले लो, रेशन से टेप बिल्कुल। हमें काम करने वाले हैं यहाँ पे, हमें दो LED लगानी है, एक इस साइड एक इस साइड। दिस वन LED ऑन दिस साइड एंड अदर LED ऑन दिस साइड। तो हम नीचे जाने के बाद जितना भी हमें चाहिएगा उसको बीच से कट करके और एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट, इसमें हमें अच्छे से कनेक्ट करना है इसको। तो जैसा कि LED ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, जो प्लस है वो हमारा रेड वायर है, जो माइनस है वो हमारा प्लेन वाइट वायर है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें इस वायर को छीनना पड़ेगा। तो जो रेड है वो प्लस है, इसलिए रेड वाला इस रेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने एक साइड का प्रॉपरली कनेक्शन कर दिया है, और इसी तरह से हमें फटाफट दूसरी साइड का और बाकी की साइड का भी कनेक्शन करना है। दूसरा वाला कनेक्शन भी कर दिया है। वो लाइट्स जो मैं बना कर लाइट्स को इंस्टॉल करने के लिए मुझे खोलने पड़ेंगे एक तो ये पैनल और उधर का ग्लव बॉक्स, क्योंकि मैं इन लाइटों को इस तरह से लगाने वाला हूँ कि लाइटें कहाँ से जल रही हैं वो लाइट की लोकेशन पता नहीं चले, बस उसका फोक्स दिखाई दे। तो इसको खोलने के बाद में जो OBD2 का हमारा जो पॉट है उसके जस्ट नीचे ये मेटल का एक पार्ट है जहाँ पे मैं इस लाइट को फिक्स कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। तो मैं इसको जिप टाई की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसी लग रही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से जाके इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में इस तरह की कोई लाइट्स को इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो को पूरी तरह देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। दूसरी लाइट को इंस्टॉल करने का मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज वहां पर वीडियो बनाने जितनी सही लोकेशन नहीं थी। जिप टाई को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाइट की लोकेशन क्या है। वहां पर जो पट्टी थी उसके अंदर मैंने उस लाइट को इंस्टॉल किया और जिप टाई से सिक्योर कर दिया। अब वो लाइट कभी हिलने वाली या निकल के गिरने वाली नहीं है। सारी वायरिंग को भी अच्छी तरह से जिप टाई की हेल्प से सिक्योर कर दें, और हमारे जिन भाइयों के पास में जिप टाई अवेलेबल नहीं है वो लोग LED को चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज कर सकते हैं, और वायर को सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास इंसुलेशन टेप है उसको लगा सकते हैं वायर पे। LEDs को सही लोकेशन पे सेट करने के बाद बारी आती है उन्हें कनेक्शन देने की। उन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम के लिए हमारा सॉकेट लगा हुआ है उसका यूज किया है। उसमें दो वायर निकल रही है, जो ग्रीन वायर है वो माइनस की है और जो येलो वायर है वो प्लस की है। तो हमारे जो कनेक्शन है उसके अंदर जो येलो वायर्स है वो माइनस है LED का, जो रेड वायर्स है वो प्लस है LED का। यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए सॉकेट से आने वाले ग्रीन में LED के येलो लगाए हैं, और सॉकेट से आने वाले येलो में हमारे LED के रेड लगाए हैं। एक बार परफेक्टली वायरिंग हो जाने के बाद में इंसुलेशन टेप की हेल्प से सिक्योर करना होगा। इस पॉइंट तक आते आते हमारी जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे बस इतना ही काम बचा है कि जो म्यूजिक सिस्टम है उसको डैशबोर्ड के अंदर वापस से फिट करना है, जो साइड का पैनल खोला है उसके स्क्रूज को वापस से टाइट करके भी फिक्स कर देना है, और जो एक्स्ट्रा वायर्स जो हमारे बच गए हैं उसको मैंने काटा नहीं है, उसको हमने कारपेट के पीछे टक इन कर दिया है ताकि वो दिखे नहीं, और अगर इन फ्यूचर हमें एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें। तो जैसा कि मैंने पूरा फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या लुक आ रहा है। देखिए मैंने चाबी को ऑन किया, ऑन करते ही गाड़ी के अंदर लाइट जल चुकी है। गाड़ी तो थोड़ी गंदी है अभी, इसको इग्नोर करना, बारिश के बाद मैंने धोई नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद इसको रात होने ही वाली है, बस थोड़ी देर में अभी निकालते हैं रात होने के बाद, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका क्या लुक आ रहा है। जो एक्स्ट्रा वायर था उसको सिक्योर करने के लिए मैंने इसके पीछे दबा दिया है, यहाँ से इसके पीछे से लेते हुए वहाँ नीचे कारपेट के नीचे वहाँ नीचे की तरफ अंदर टक इन कर दिया जहाँ बाकी के सारे वायर्स पड़े। चलो फटाफट अभी चलते हैं ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल वायर का लुक। बस यार गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो बेल का आइकन दबा दो ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ।